न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति सेक्टर 2 द्वारा गणेश उत्सव के साथ वे दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। सेक्टर 2 सेंट्रल एवेन्यू में गणेश उत्सव के पंडाल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे पहुंचे और उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। सेक्टर 2 के गणेश उत्सव पंडाल में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर एक पेड़ माँ के नाम थीम पर बनी झांकी का लुत्फ उठा रहे हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पर्व हर्षोल्लास के साथ सभी स्थानों पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सेक्टर 2 में न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के द्वारा भव्य प्रतिमा भगवान गणेश की विराजित की गई है। प्रतिदिन यहां पर पूजन अर्चन किया जा रहा है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु बप्पा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। साथ ही यहां पर एक पेड़ माँ के नाम का थीम लिए जो झांकी तैयार की गई है, वो भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। विघ्नहर्ता भगवान के पर्व को मनाते हुए हर्ष और उल्लास के साथ यहां पर लोगों की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। इसी कड़ी में भगवान गणेश का दर्शन करने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे यहां पर विशेष रूप से शामिल हुए। भगवान गणेश की पूजा अर्चना विधि विधान से उन्होंने की आरती के पश्चात आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने समिति के इस कार्य की प्रशंसा दिल से की और लोगों को संबोधित किया। हर बार गणेश पूजा में लोग इंतजार करते हैं कि इस बार कौन से नए कंजर्स को लेकर के एक गणेश पूजा का प्रकाश है। और इस बार जो एक पेड़ माता माँ के नाम जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और उस स्वरूप में आप देखो तो शिशु अवस्था से लेकर और संक्रमण से लेकर चारों तरफ से विश्वास बताई गई। और ये अच्छा है कि गणेश भगवान जो धर्म पूजा अच्छा के रूप में जाने जाते हैं, सिद्धि गाँव ऐसे गणेश भगवान के दर्शन के लिए उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगणों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं। इस अध्यक्ष को लेकर के वही यहाँ आए हैं भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करें और सभी की के श्रीनिवास की श्री पार्षद है। तो ऐसे सारे लोग जो समिति के जुड़े हैं, उन समिति के लोगों के प्रति पूरे भिलाई के लोगों का ख्याल है और सहयोग है। हमारा भी उसमें तो पूरा प्रयास सहयोग है। अपनी निरंतरता को बनाए रखे सनातन जो नाम है कि सदैव चर्चना सनातन का बंधन लिए जो आज से हजारों साल पहले था वही आज है। तो सनातन संस्कृति के एक संवाद के रूप में आए ये लोग सनातन का इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग पंडालों में जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, बच्चे पहले खिलौने के साथ खेलते हैं झूला के साथ, लेकिन घर जाने के बाद जरूर सब बच्चे अपने माँ बाप से पूछते हैं कि हम कहाँ गए थे, किसके दरवाजे गए थे। और उस समय जब हम लोग बताते हैं कि हम गणेश भगवान की पूजा में गणेश भगवान में कौन न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति अपने 40वें वर्ष में भव्यता से गणेश चतुर्थी का पर्व मना रही है। हर साल एक नया थीम लिए यहां पर जो झांकी बनाई जाती है वो शहर सहित छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम का थीम लिए जो झांकी यहाँ पर बनाई गई है वो सहसा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।